तो जैसा कि आपको पता है कि एचपी सेक्रेटरी का एग्ज़ाम जो अब नज़दीक आ रहा है, 4 नवंबर को इसकी परीक्षा होगी और 25 अक्टूबर से आपको एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएगी वेबसाइट से। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो एचपीएससी और एचपीएसएससी के, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हमने जो स्टडी से रिलेटेड जो क्रिएट किए हुए हैं, अगर वो नहीं है तो आपको इसका मैं आज डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ये क्वेश्चन देख सकते हैं। और जो इन कैंसर है वो मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा, तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिएगा, ताकि आपका और लोगों का जो भी एग्ज़ाम है अब आने वाले हैं। और आपको पता है जो एचपी के जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं एचपी जीके के एग्ज़ाम में, वो एचपीएससी का हो या एचपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, तो जिस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको देख कर ही लग रहा है कि अब जो क्वेश्चन आएंगे इसमें एचपी सेक्टर से रिलेटेड। ये मैं आपको इस बात के लिए बता रहा हूँ कि जो 627 कोड पोस्ट कोड जो सेक्टर सॉरी क्लर्क का जो अभी एग्ज़ाम हो चुका है पहले, उसमें जो क्वेश्चन आए थे जिस प्रकार से हिमाचल जीके के क्वेश्चन आए थे, और इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए और जितने मैंने ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैंने अपने दोस्तों से लेकर जो उसमें एचपी जीके के जितने भी क्वेश्चन थे उनके आधार पर अब जो मुझे लग रहा है और जो एग्ज़ाम होगी उसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसके बारे में बता दूं मैं, और मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो इनको आप इनके आंसर आपको देने हैं। अगर आप आंसर नहीं दे पाओगे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके इसके जो आंसर है वो मैं आपको अलग से वीडियो बना कर इसी से रिलेटेड वो मैं क्वेश्चन और उसके जो आंसर है वो मैं ऐसे ही आपको बताता जाऊँगा, ठीक है? तो आप ये नहीं सोचेंगे कि इसके आंसर नहीं दिए गए हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्वेश्चन मैं बताता जाऊंगा, आपने नोट कर लेने हैं। तो पहला क्वेश्चन था, मंडी का अधिष्ठाता किस देव को कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 है, मंडी के किस देवता के समक्ष धूम्रपान पूर्ण रूप से वर्जित है, मतलब कि जो बीड़ी सिगरेट वगैरह करते हैं मंदिर के समक्ष आसपास, ठीक है, वो पूरी तरह वहाँ वर्जित है, तो मंडी का ये देवता है। और 3 क्वेश्चन जो थे मैंने मंडी से लिए। तो अब अगला क्वेश्चन था, मंडी शिवरात्रि पर मंडी जिला के कितने देवी देवता भाग लेते हैं, ये इसका जवाब आपको बताना है। और जो कांगड़ा के किस शहर को बल्टोइयों का शहर कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर ये है। और अगला क्वेश्चन है, दौलत सिंह पार्क कहाँ पर स्थित है, उसका अगला क्वेश्चन है, हिमाचल में कन्या बाल विवाह की प्रतिशत क्या है। और धमबाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, और ये जो एक एग्रीमेंट वगैरह बना था इसका मैं ये बता देता हूँ आपको, 1993 का, इसलिए मैंने 1993 लिखा है, तो आप डेट ऑफ बर्थ में समझ लीजिएगा इसको कि डेट ऑफ बर्थ लिखे हुए। ये धमबाड़ी जो जल विद्युत परियोजना था इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसके रिलेटेड इसकी जो एग्रीमेंट वगैरह हुआ था सरकार के साथ, तो ये 1993 में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध भाग मेला किस स्थान पर, किस स्थान का मशहूर है, ठीक है, ये भाग मेला जो है वो किस स्थान पर लगता है और वो मशहूर है, ठीक है, और आपको उस स्थान का नाम बताना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन, 18 मार्च को हिमाचल में पहला महिला बैंक कहाँ पर खुला था, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है, हाईलाइट मैंने कर दिया इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता सेनानी राम सिंह जिनका निधन 104 साल की आयु में हुआ किस स्थान से थे। अगला क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का अधिनियम जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो कब लागू किया गया था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया। अच्छा, अब अगला जो मैंने हाईलाइट किया क्वेश्चन रेड, उसमें मस्तु कंडक्टर क्या है, तो आपको ये बताना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में किन 2 सेंचुरी को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में हिमाचल महिला टीम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन है, हमीरपुर के किस स्थान पर वर्ष 2014 में मसाला पार्क स्थापित किया गया है। अगर आप हमीरपुर के तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी, और अदर डिस्ट्रिक्ट के तो आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, चीगू किसकी एक नस्ल है, ठीक है, तो ये चीगू जो है किसकी एक नस्ल है, ठीक है, तो ऑप्शन जो होगी इसके वो मैं आपको बता दूंगा, और जो इसका इन जितने भी क्वेश्चन हैं इनके आंसर मैं आपको बता दूंगा। और मैं इतना कह सकता हूँ कि
हिमाचल जेके के जो भी अब एचपी सेक्रेटरी हो या जितने भी अभी पोस्टें फिलअप की गई थी, ये 30 क्वेश्चन है, 30 में से 10 क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, अब 12-20 क्षेत्र किस जिले में स्थित है, ठीक है, और जो लाल पानी क्रिकेट एकेडमी है वो किस जिले में है, तो इसके बारे में जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको पता होगा, हिमाचल में दूध गंगा परियोजना जो योजना थी कब लागू की गई थी। ठीक, हिमाचल में दूध गंगा योजना कब लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित स्वाति बारियाल का संबंध किससे है। ठीक है, पार्शू झील का संबंध किस नदी से है। तो आपको जो इसके आंसर है वो मैं आपको दे दूंगा, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपको इन सवालों के जवाब नहीं आते। ठीक, और मेरी कोशिश है कि ऐसे ही सवाल मैं अब आपके लिए और क्वेश्चन पेपर जो ऐसे क्वेश्चन जो आपको आ सकते हैं वो मैं आपको डेली अप ले कर आऊँ, ताकि आपकी जो तैयारी वो हो सके। और इसमें आपको मैं दो वीडियो बना के डाला करूँगा, एक क्वेश्चन पेपर की, एक में आपको आपके लिए होगी क्वेश्चन की वीडियो जो पहली होगी उसमें आपको आंसर देने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, और जो दूसरी होगी उसमें आपको आंसर सहित मैं जानकारी दूंगा। ठीक है, अब जिस चीज़ का आपका ये एग्ज़ाम है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एक शिमला में है, और जो ये HPSSB हमीरपुर है, कर्मचारी चयन आयोग, तो इसके जो सदस्य थे उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु थी रिटायरमेंट की, वो 2014 में क्या निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो बढ़ाई गई, कम की गई, तो आपको बताना था, और क्या आयु रखी गई अब। ठीक है, और इसका आपको आंसर जो है गूगल पर मिल जाएगा। और जो बाकी क्वेश्चन है मुझे लग रहा है कि आपको इसके आंसर मिलेंगे, क्योंकि HPJK से रिलेटेड गूगल में इतनी जानकारी नहीं है, कुछ एक वेबसाइट है लोगों ने बनाई हुई है किस, तो उनके जरिए आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, क्वेश्चन हिमाचल जेके के देख सकते हैं, परंतु आपको वही दिखेगा उसमें जेके जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर के जेके समझ सकते हो आप इनको। अगला क्वेश्चन था, मशरूम की कौन सी किस्म HIV/AIDS भगाने में सहायक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, बेहतर कार्य निष्पादन के लिए 2013-14 में किस विद्युत प्रोजेक्ट का सिल्वर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। तो एक हाइड्रो प्रोजेक्ट था, और जिसे जो उसका काम था उसके लिए 2013-14 में सिल्वर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था HP गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, तो आपको बताना है उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था। ठीक है, कंपनी का नाम क्या था, द पैराडाइज हिमाचल प्रदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको लिए आपके लिए क्वेश्चन है, और आपको इसका जवाब देना है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोगों ने इसका जो सवाल है वो अपने दिमाग में सोच लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल में विद्युत दोहन ये जल से रिलेटेड है, तो जो इसकी क्षमता है बोला हुआ कितनी है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है, और अगर आप कौन सराहते हैं इन सवालों की, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए आप आंसर दे सकते हैं। ऊपर अपना जो क्वेश्चन है आप उसको नोट कर लीजिएगा, और उसका आंसर जो है वो देने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे क्या होगा कि अगर आप लिखोगे तो जो आपका जो नॉलेज है वो और बढ़ेगा, और अगर आप भूल जाते तो वो भूलने की जो गंदी आदत है एक वो छूट जाएगी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन था, शिमला स्थित अन्ना डेल मैदान किसके नियंत्रण में है। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको इसका पता होगा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या सर्वाधिक है, और ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का कि जहां पर जो प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो संख्या वो बहुत अधिक है। तो ये क्वेश्चन है आपको बताने इसके, और जो ये अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो ये आप देख लीजिएगा, और अगर आप नहीं देखना चाहते तो इसी में आपको मैं बता देता हूँ। तो HPPSC, ठीक है, लोक सेवा आयोग, ठीक है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और सहकारी बैंक, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह, और जो निगम थे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गए, या एजुकेशन बोर्ड से रिलेटेड जितने भी जो भर्तियाँ होती थी, जैसे मान लो कि जो क्लर्क का कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का, जो KCC बैंक का जो एग्ज़ाम हुआ था या जो सिलेक्शन हुआ था पहले भर्ती हुई थी, उसका वो HP बोर्ड द्वारा ही करवाए जा रहे थे। ठीक है,
तो इस अब सरकार ने क्या किया कि इसको जो SPPSC केंद्र कर दिया है, अब जितनी भी लोक सेवा आयोग की या कोई भी बैंक की हो, निगम की हो और या बोर्ड की हो, जो भी रिक्रूटमेंट की जो भर्ती होगी वो SPPSC के अंडर होगी। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए इस इन्फॉर्मेशन। और इस साल जो चंबा में सीमेंट प्लांट का शिलान्यास होगा, तो ये भी आ सकता है कि हिमाचल में सीमेंट प्लांट का जो शिलान्यास है किस जिले में किया जाना है या होगा। ठीक है, तो शायद हो सकता है ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। प्रदेश में खुलेंगे पुनर्वास केंद्र, तो ये जो भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं आप इनको नोट करते जाइएगा। और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप हिमाचल की हो और जो करंट अफेयर है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज ही आज मैं आपको करंट अफेयर की वीडियो बनाकर डाल दूँ। और मेरी कोशिश है कि जो एग्ज़ाम में आपको करंट अफेयर आएंगे मैं वही आपको लेकर आऊँ, ताकि आपकी जो करंट अफेयर की जो तैयारी है वो हो सके, ताकि आपका जो एग्ज़ाम अच्छे से हो सके। तो हिमाचल तक को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आपकी स्क्रीन पर हिमाचल तक नहीं, हिम तक आएगा। तो हिम तक की ये चैनल है जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो हिम तक को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को अगर आपने प्रेस नहीं किया तो फिर कह रहा हूँ एक बार, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके जो आंसर है वो अगर आपको चाहिए तो इसी चैनल पर एक वीडियो बनेगी इसके बाद, जिसमें इन क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे आपको। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फिर भूल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम हो गया और हिमाचल जेके की आपकी तैयारी हो गई, या करंट अफेयर की अगर जो क्वेश्चन आएंगे 15 क्वेश्चन जो SPSECTRETE का एग्ज़ाम होगा, या कोई भी अभी जो पोस्टें भरी गई थे उसके जो एग्ज़ाम हो गए उसमें 15 नंबर के आपको 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के आएंगे। तो जनवरी से लेकर अगस्त अक्टूबर सेप्टेम्बर अक्टूबर तक के जितने भी एग्ज़ाम होंगे अब जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो इनके एग्ज़ाम में आएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें जो वीडियोस में जो करंट अफेयर दिए गए हैं, ठीक है, SP से रिलेटेड इसमें करंट अफेयर है इस चैनल पर, उनको आप देखिएगा। और देखने के बाद बार बार देखिए उनको, ताकि आपकी डेली जो एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है वो और अच्छे से हो सके। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हो मैं किसी अदर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके लिए लाऊँ, तो आप वो